लेफ्ट टर्न लेफ्ट उधर साइड उधर अपना राइट साइड नहीं तो मत अपना बाएं हाथ से देखो दाएं हाथ किधर है एक साथ पैर उठा के पटको तो एक साथ ठीक है हम भिसिल बजाएंगे अपने जगह पे कौन सा पैर उठाना है नहीं अटेंशन स्टैंडिंग करते हैं तो कौन सा पैर उठाते हैं लेफ्ट वाला भिसिल बजाएंगे पैर उठाना है देखो अब सॉरी मेरी तरफ फेस करो डॉक्टर नहीं पता है ना मेरी तरफ फेस करो देखो मैं कमांड दूंगा आपको करना ही है ठीक है ऐसा है ना लेकिन एक साथ होना चाहिए सबका आवाज आना चाहिए ठीक है ना लेफ्ट पैर से ही करना है सबको क्योंकि जब आप लोग लेफ्ट राइट टर्न कर रहे हैं तो किसी का कभी हो रहा है किसी का कभी हो रहा है मतलब आवाज अच्छा नहीं आ रहा जैसे भुट्टा फटता है ना फुट 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 वैसे आवाज आ रहा है एक उसको सुधार कराइए तब दूसरा कर चलो रेडी विसिल पे कुछ अच्छा अरे कुछ नहीं है मिट्टी का ही शरीर है इसी में मिल भी जाना है इतना टेंशन ले रहे चलो रेडी आवाज नहीं आ रहा भूख लग गया क्या अभी भूख लग गया है बड़ा पेटू है चलो रेडी लेफ्ट राइट टर्न करना है जल्दी करो इसके बाद अबाउट टर्न करना है ठीक है आप सही है कुछ लोग का गलत जिनका सही है उनको थोड़ी बोला गया जिनका गलत है उनको बोला गया देखिए छोटे बच्चों को देखिए मैं छोटे बच्चों को सही बहुत बच्चे उधर यस सर Right side. Okay, good.
नहीं करना है आपको? नो सर। तो काहे नहीं कर रहे? नहीं कर सर। पैर में प्रॉब्लम है? नो सर। नीचे मिट्टी बराबर नहीं है क्या? अभी क्रिकेट परफेक्ट नहीं हो गया था आपका, हो जाएगा आपका। मेरा टाइमिंग थोड़ा लेट हो गया था इसलिए नहीं किए। अब आज रात ही हो गया तो आपके लिए तो नहीं रुकेंगे इतने बच्चे। या सर इसीलिए हम रुक गए थे। एक साथ करना है, नो डिस्कशन। पैर ऊपर करके पूरा ऐसे उठाना है, ठीक है? सीखोगे अपने लिए, टीचर के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने लिए सीखोगे। थोड़ा बाएं मोड़ करिए तब। वो समझ में बहुत आता है। हिंदी में दाएं मोड़ करना है। हाँ। नो सर, सब समझता है, सब समझता है। लेफ्ट टर्न, Thank you.
गलतियां हो रही हैं, अगर आपसे गलतियां हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। सुधारने का मतलब ये हुआ, आप घर पे जाएंगे ना, घर पे जाइएगा तो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस करना किसी भी चीज का, तो आराम से उसको कीजिए। लो प्रैक्टिस खुद से कीजिए। आप लोग एक बार जाकर बच्चे लोग को बताइए, एकदम स्लोली भी नहीं करना है।